अल्मोड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने जिला स्तरीय पुनरीक्षण और समन्वय समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले भर के बैंक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने सभी बैंकों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही डीएम ने जिन बैंकों को बेहतर प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली है उनसे सरकारी विभागों के खाते हटा लेने के निर्देश दिए और ऋण जमा अनुपात की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। डीएलआरसी जो पिछले एक साल में 3-4 डीएलआरसी हुई है उसमें हमने देखा है कि कुछ बैंक्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बहुत खराब है और प्लस ऐसे बैंक्स यहाँ पर मीटिंग्स में भी आने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो अब हमने उन बैंक्स को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला कर लिया। ऐसे 2-3 बैंक्स पाए गए हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब हमारे जिले में कोई भी सरकारी अकाउंट इन बैंक्स में संचालित नहीं किया जाएगा और उसके अलावा हमने 2-3 ऐसे बैंक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस फिर भी सुधरी रहती है, तो उन बैंक्स को हम इंसेंटिवाइज करने के लिए हम एक सर्कुलर जारी करेंगे कि बाकी इन बैंक से हटा करके इन्हीं बैंक्स को खाते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई का परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन बीओबी ओबीसी इन सब बैंक्स की परफॉर्मेंस खराब है। वहीं अल्मोड़ा जनपद में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए रिजर्व बैंक ने पीड़ित व्यक्ति को 10 दिन में न्याय देने के आदेश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।